वेलकम। आप देख रहे हैं शायद कुकिंग कॉर्नर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और बेल के बटन को दबा दें, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक ले लिया है, सफ़ेद वाला नमक है ये। 1 टीस्पून काला नमक लिया है मैंने। उसके साथ ही मैंने फालसे ले लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम जितने। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तुकमलंगे लिए हैं, उसको हाफ कप पानी लेके उसमें मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। उसके साथ ही मैंने 5 नींबू लिए थे, उनका मैंने जूस निकाल लिया है। आप चाहें तो मार्केट से जो बॉटल में जूस आता है वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। शुगर का और पानी को मैं मिक्स करके एक शुगर सिरप रेडी कर लूँगी। तो जो 1 कप शुगर ली थी वो इसमें डाल दूंगी मैं। 1/2 कप जो पानी लिया वो भी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मैं मेल्ट कर लूंगी और इसका शीरा सा तैयार कर लेंगे हम, पानी का और चीनी का। तो यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट हो रही है तो एक गहरा सा हम शीरा रेडी कर लेंगे फिर। तो यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तो हमारा शुगर से अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जूसर लिया है, उसमें मैं ये फालसे जो है इनको ऐड कर दूंगी। 1/2 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो फालसे हमारे अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं ये इस तरह की सीव रख दूंगी और इसके ऊपर रख के मैं इसको फालसे जो है ना इनको अच्छी तरह मैं इसमें से जितने भी सीड्स हैं वो निकाल दूंगी। अच्छी तरह से इनमें से सारा जूस निकाल लेंगे हम और सीड्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जूस को मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया और देखें ये सीड्स को मैंने अलग कर लिया है। अब इसको मैं फेंक दूंगी और बाकी का जूस तैयार कर लूंगी। तकरीबन मैं इसमें 3 ग्लास जितना पानी डाल दूंगी, बर्फ डाल दूंगी इसमें, नमक डाल देंगे इसमें, काला नमक डाल दूंगी, लेमन जूस, शुगर सिरप जो हमने रेडी किया 1 कप जितना वो भी सारा डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। अब इसमें मैं तुकमलंगे ऐड कर दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम सर्व करके बताते हैं फालसे का जूस। तो यहाँ पे रमज़ान स्पेशल फालसे का शरबत रेडी हो चुका है। आप इसको घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल जिस तरह गर्मी है ये गर्मी की शिद्दत को कम करेगा, ये बहुत ठंडा होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।